पर गिराया। इसके अलावा गाजियाबाद के राजनगर और विजयनगर इलाकों में भी पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाशों को घायल हो गए, जबकि तीन पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ में घायल हुए। तो इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी अभिषेक कुमार और अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि दनादन यूपी में एनकाउंटर हो रहे हैं, आंकड़ा क्या बता रहा है, क्या क्राइम रेट कम हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पर क्राइम रेट कम हुआ है और सरकार एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। खासतौर पर जो अभी हाल ही में जो नियुक्तियां हुई हैं, जो ट्रांसफर हुए हैं, वो इसी को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। जो नोएडा में फिलहाल जो SSP जिनको भेजा गया है, गौतम बुद्ध नगर में अजय पाल शर्मा, वो इससे पहले शामली में तैनात थे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनको माना जाता है। वहाँ पर अगर उनका रिकॉर्ड देखें आप पिछले एक साल का, तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा बदमाश ऐसे थे जिनको या तो गिरफ्तार किया या एनकाउंटर में बदमाश मारे गए या फिर घायल होकर के गिरफ्तार हुए। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब लगातार शिकायतें आ रही थी NCR रीजन से कि यहाँ पर कानून व्यवस्था सुचारू तरीके से नहीं चल पा रही है, उसी के मद्देनजर यहाँ पर उनका ट्रांसफर किया गया है। और आते ही अगर आप देखें तो पिछले सप्ताह ही अजयपाल शर्मा का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है और आते ही ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत यहाँ पर हुई। दनादन यहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और साफ एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से फ्री हैंड है पुलिस को, और पुलिस एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल होगा। अभिषेक, जिस तरह से अनुराग बता रहे थे कि SSP अभी अभी जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होकर आए हैं और उसी के बाद 24 घंटे में 5 एनकाउंटर, तो क्या तस्वीर वही दिखा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इनके पीछे ये तगमा भी लगा हुआ है, SSP को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं। इन्होंने कभी तक अपने 4-5 साल के कैरियर में ही कई सारे एनकाउंटर, कई सारे मुठभेड़ को अंजाम दिया है। नोएडा में इनको अभी एक हफ्ता हुआ है, इसी दौरान इन्होंने भी 2 एनकाउंटर को अंजाम दिया हुआ है। इसके अलावा इस SSP को भेजने का मकसद यही था कि नोएडा में जो क्राइम के सिचुएशन बना हुआ था, काफी गंभीर बना हुआ था, किसी भी तरह से क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था, जिसके बाद इनको भेजा गया। हालांकि इनके आने के बाद कल जो एनकाउंटर, आज सुबह जो एनकाउंटर हुआ है श्रवण का, ये लोकल अपराधी यहाँ का, इसके एनकाउंटर के बाद से कहीं ना कहीं जो लोकल लेवल पे जितने भी नेटवर्क काम करते हैं उनको बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खौफ जरूर बैठा होगा, क्योंकि अभी तक जितने एनकाउंटर हो रहे थे वो छोटे मोटे जो 10,000 5,000 इनामी बदमाश हुआ करते थे, ये पहला एनकाउंटर है जो 1,00,000 का इनामी बदमाश था। तो ये जो श्रवण है ये नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली में कहीं ना कहीं दहशत फैलाता था और इसका बकायदा बहुत ज्यादा दहशत भी था, लेकिन लोकल लेवल पे इसके मारे जाने से कहीं ना कहीं लोकल नेटवर्क को जरूर झटका पहुंचेगा, लोकल नेटवर्क को झटका पहुंचेगा और श्रवण के खिलाफ जो है लंबी फेहरिस्त है मुकदमों की भी। अनुराग, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एनकाउंटर ही जरूरी है, गिरफ्तारी से काम नहीं बन सकता क्या? ये सवाल भी उठ रहा है। देखिए बिल्कुल, ये सवाल बहुत से लोग उठाते हैं कि एनकाउंटर ही जरूरी है, क्या गिरफ्तारी नहीं हो सकती? लेकिन अगर आप आंकड़ों को देखें तो मुख्यमंत्री योगी खुद बता चुके हैं कि 1300 एनकाउंटर हो चुके हैं पिछले एक साल में, लेकिन कहीं किसी एनकाउंटर पर कोई इस तरीके का सवाल नहीं उठा कि किसी शरीफ आदमी को या किसी हिस्ट्री शीटर जो नहीं था ऐसे आदमी का एनकाउंटर कर दिया गया हो। इसको लेकर भी पुलिस को साफ तौर पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि पहले तसल्ली कर ली जाए कि किस व्यक्ति को रोका जा रहा है। और एनकाउंटर सिर्फ तभी होता है अगर आप देखें कि अगर पुलिस कोई अपराध करके भाग रहा है, अपराधी उसके नाम मामला दर्ज कर ले और बाद में इन्वेस्टिगेट करती रहे तो एनकाउंटर का सवाल ही नहीं आता है। लेकिन हो क्या रहा है फिलहाल कि हॉट चेज हो रहे हैं, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर अपराधी अपराध करके भाग रहा है, पुलिस को मालूम पड़ता है तो बाद की कार्रवाई के लिए नहीं रुका जाए, उसको वहीं पर रोका जाए। अगर पुलिस को पता चलता है कि अपराध करने वाला है अपराधी, उसको अपराध करने से पहले रोका जाए। और जब पुलिस रोकने की कोशिश करती है तो यही वो स्थिति होती है जब अपराधी आमने सामने होते हैं पुलिस के, और कई अपराधी हैं जो सरेंडर कर देते हैं, कई अपराधी हैं जो घायल होकर के गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे बेखौफ अपराधी भी होते हैं जो पुलिस से भी नहीं डरते हैं, वो फायर करते हैं और नतीजतन इस तरीके के एनकाउंटर्स होते हैं जिनमें अपराधियों की मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर पर एनकाउंटर इकलौता रास्ता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी पुलिस के सामने हो जाती है कि